गुड मॉर्निंग बच्चों, NRPS की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम जो आपके 11th में दो किताबें हैं आरओ और वितान, तो आरओ पढ़ रहे हैं और आरओ में गद्य और पद्य दो है, तो पद्य भाग स्टार्ट किए हैं। और पद्य भाग में सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, कबीरदास जी। तो देखिए, कबीरदास जी के बारे में मैंने आपको बता दिया था, और कबीरदास जी से पहले मैंने आपको भक्ति काल के बारे में बताया था, क्योंकि कबीरदास जी निर्गुण भक्ति के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। पिछली कबीरदास जी के बारे में तो हम डिटेल से समझ चुके थे, और अब हम जो पहला पद हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पहला पद जो हमने पढ़ा था उसको वापस मैं रिपीट करवा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले चलो एक बार देखिए कबीरदास जी का जीवन परिचय देखते हैं। कबीरदास जी का जन्म 1398 में कहाँ पर हुआ, काशी में। काशी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। किस काल के कवि है, भक्ति काल के। कौन सी शाखा, निर्गुण। निर्गुण में कौन सी, ज्ञान मार्ग या संत काव्य, ठीक है। फिर देखिए इनके माता पिता, माता पिता जो पालन करने वाले उन्हीं को मानेंगे। माता का नाम नीमा और पिता का नाम नीरू, ठीक है। फिर जो इनके गुरु थे वो कौन थे, रामानंद जी थे। इनकी पत्नी का नाम लोई था, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली। और इनके जो मुस्लिम गुरु थे वो कौन थे, शेख तकी, ठीक है। अब देखिए इनकी एक ही रचना है, कौन सी है, बीजक। बीजक में, बीजक के तीन भाग मान लेते हैं, साखी, सबद और रमेनी। साखी का मतलब साक्षी होता है, सबद का मतलब पद होता है, और रमेनी का मतलब भी पद होता है, ठीक है। फिर देखिए जिनकी एक ही रचना है, कौन सी, बीजक। बीजक का संकलन किसने किया है, इनके प्रमुख शिष्य धर्मदास ने। कब किया, 1464 ईस्वी में, ठीक है। फिर देखिए जो कबीरदास जी हैं, कबीरदास जी क्या थे, अनपढ़ थे। क्या थे, अनपढ़ थे। और अनपढ़ के बारे में कहा भी गया कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही ने आग। अर्थात उन्होंने कभी भी कागज और कलम या स्याही को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन फिर भी देखिए बहुत सारे पद और साखियों की रचना उन्होंने की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको, कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। क्या कहा है, वाणी का डिक्टेटर कहा है, ठीक है। अब देखिए कबीरदास जी की मृत्यु कब हुई है, 1518 में हुई है। कहाँ पर हुई है, मगहर में। अब देखिए मगहर और काशी में, क्योंकि मगहर के बारे में ऐसा कहा जाता था कि लोगों में भ्रम था, अपवाद था, लोगों में भ्रम फैला हुआ था कि जो व्यक्ति मगहर में मरता है उसको क्या मिलता है, उसको नरक प्राप्त होता है। लेकिन कबीरदास जी ने इस बात को झूठी साबित करने के लिए, लोगों के भ्रम को दूर करने के लिए, स्वयं अपने जीवन का अंत कहाँ पर होता है, मगहर में करते हैं, ताकि लोगों का जो भ्रम है वो टूट जाता है, ठीक है। तो देखिए हम तो एक एक करी जानी, हम तो एक एक करे जानी। मैंने कल आपको बताया था एक का मतलब क्या हो गया, ईश्वर। फिर एक का मतलब क्या हो गया, अंक, मतलब वन। तो एक एक करी जानी, एक एक करी जानी में कौन सा अलंकार हो गया, यमक। यमक कैसे हो गया, क्योंकि जहां पर कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए, या जहाँ पर कोई शब्द बार बार आए परंतु उसका अर्थ क्या हो, हर बार भिन्न हो, अलग हो, वहाँ पर कौन सा होता है, यमक अलंकार होता है। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे ती नहीं, को दो जग जिन नाहीं ने पहचाना। दोई का मतलब दो, ती नहीं का मतलब होता है उनको, दो जग का मतलब होता है नरक, जिनका मतलब जिसे, या उन्हें, नाहिन का मतलब नहीं, और पहचाना का मतलब होता है पहचानना। एक पवन एक ही पानी, पवन का मतलब हवा और पानी का मतलब पानी, और ज्योति का मतलब ज्योति, प्रकाश, आत्मा, परमात्मा। एक खाक गढ़े सब भांडे, एक कोहरा साना। खाक का मतलब मिट्टी, भांडे का मतलब बर्तन, कोहरान का मतलब हो गया
कुम्हार, साना का मतलब होता है एक साथ मिलना या समान, एक साथ मिलकर। बाढ़ी का मतलब होता है बढ़ई, जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे अग्नि न काटे, कोई बाढ़ी का मतलब होता है बढ़ई। और काष्ट, काष्ट का मतलब क्या होता है, काष्ट का मतलब होता है लकड़ी, क्या होता है लकड़ी। सब घटी अंतरी तू ही, देखो यहां पर तू ही का मतलब क्या हो गया, यहां पर तू ही का मतलब ईश्वर से बताया गया है, यानी ईश्वर को तू ही कहा गया है। तू ही व्यापक धरे का मतलब धारण करना, स्वरूपे का मतलब स्वरूप। माया देखी के जगत लुबाना, काहेरे नर गरबाना। माया का मतलब होता है धन दौलत, क्या होता है धन दौलत। देखी का मतलब देखना, जगत का मतलब संसार, लुभाना का मतलब लुभाना लालच, नर का मतलब मनुष्य, गर्भाना का मतलब होता है गर्व करना, निर्भय का मतलब होता है निडर निर्भय, भया का मतलब होकर, कछु का मतलब कुछ, नहीं का मतलब नहीं, व्यापे का मतलब व्याप्त होना प्राप्त होना, कहे का मतलब कहना, और कबीर का मतलब कबीर, और दीवाना का मतलब दीवाना। तो देखिए, हम तो एक एक करी जाना, कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो यही मानते हैं कि ईश्वर एक है, कि हम तो एक एक करी जाना, कि हमारे समझ में हमारे नज़र में परमात्मा ईश्वर अल्लाह सब एक है। दोई कहे तिन्हीं को दो जग जिन नाहिन पहचाना, जो एक ईश्वर को नहीं पहचानता, जो ईश्वर के एक स्वरूप को नहीं पहचानता, ईश्वर को दो बताता है, ईश्वर को अलग अलग बताता है, ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को क्या प्राप्त होता है, नरक मिलता है, ऐसे लोग नरक के भागीदार होते हैं। एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना, इस संसार में एक ही वायु है, एक ही जल है, और एक ही ज्योति, अर्थात प्रत्येक मनुष्य के हृदय में एक ही परमात्मा निवास करते हैं। क्या है कि प्रत्येक मनुष्य के हृदय में एक ही परमात्मा क्या करते हैं, निवास करते हैं। एक ही खाक गड़े सब भांडे एक ही कौरा साना, देखिए कौरा का मतलब कुमार, कि कुमार जिस प्रकार मिट्टी को मिलाकर, या जिस प्रकार कुमार मिट्टी से क्या करता है, अलग अलग बर्तन बनाता है, क्या करता है अलग अलग बर्तन बनाता है, लेकिन जो अलग अलग बर्तन बनाए गए वो बर्तन क्या है, उस एक ही मिट्टी से बनाए गए, यानी कि मिट्टी तो एक है लेकिन उसका रूप अलग अलग हो गया। उसी प्रकार जो हमारा शरीर है वो मिट्टी से मिलकर बना है, अर्थात पांच तत्वों से मिलकर बना है। कितने तत्वों से, पांच तत्वों से मिलकर बना है। कितने तत्वों से, पांच तत्वों से, भय ग वा और न। हमारा शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है, पांच। भय का मतलब भूमि, गह का मतलब गगन यानी आकाश, वह का मतलब वायु, और ए का मतलब अग्नि, और ने का मतलब नीर। ठीक है, तो हमारा शरीर क्या है, इन पांच तत्वों से, कितने तत्वों से, पांच तत्वों से हमारा शरीर बना है। पांच तत्वों से किसका निर्माण हुआ है, शरीर का निर्माण। ठीक है, कि जिस प्रकार कुम्हार क्या करता है, मिट्टी से अलग अलग बर्तन बनाता है, लेकिन जिस मिट्टी से कुम्हार बर्तन बनाता है वो मिट्टी एक होती है, बल्कि उसके रूप अलग अलग होते हैं। उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य इस मिट्टी से ही मिलकर बनाए, अर्थात हमारा शरीर
पांच तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी आकाश वायु अग्नि और जल से मिलकर हमारा शरीर बना है। तो भगवान शब्द में देखिए, भगवान शब्द में पांचों तत्व विलीन है। फिर आगे देखिए, जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, कि जिस प्रकार जो बड़ई होता है, बड़ई बोलते हैं लकड़ियों को काटने वाला, कि जिस प्रकार जो बड़ई होता है वो सिर्फ क्या करता है, लकड़ी को काट सकता है, लेकिन जो लकड़ी में जो आग लगती है उस आग को वो नहीं काट सकता। उसी प्रकार जो ईश्वर है, उसी प्रकार जो ईश्वर इस संसार में व्यापक है, चारों तरफ फैले हुए हैं, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं, और जो उसका स्वरूप है वो विशाल, उसने विशाल स्वरूप धारण कर रखा है। माया देखी के जगत लुभाना, कायरे नर गर्बाना। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जो संसार के लोग हैं वो इस संसार के लोग जो लोग हैं वो क्या करते हैं, इस सांसारिक मोह माया में फंस जाते हैं, सांसारिक जंजाल में फंस जाते हैं, और सांसारिक जंजाल में फंसने के बाद वो क्या करते हैं, लालच करने लग जाते हैं, उन वस्तुओं पर मोहित हो जाते हैं, सांसारिक वस्तुओं पर मोहित हो जाते हैं, इसलिए वो अपने जीवन को नष्ट कर बैठते हैं, क्योंकि वो जानबूझकर सांसारिक मोह माया में फंस रहे हैं। काहे रे नर्व गर्बाना, कि हे मनुष्य तू इन वस्तुओं पर लालच जो कर रहा है, जो सांसारिक मोह माया है, धन दौलत है, तू इनके ऊपर गर्व क्यों कर रहे हो। निर्भय भया कछु नहीं वापे। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति निडर होता है उसको कुछ नहीं प्राप्त करना होता है, वो तो सिर्फ ईश्वर की भक्ति करना ही चाहता है। कबीरदास जी स्वयं को क्या बता रहे हैं, ईश्वर का दीवाना बता रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए, देखो अपने को क्या लिखना है, सप्रसंग व्याख्या। तो क्या लिखेंगे अपन, देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले सप्रसंग, प्रस्तुत पद, प्रस्तुत पद, कबीरदास, द्वारा रचित, शब्द से लिया गया है। देखिए ध्यान रखना, जो ये पद है वैसे है तो किसके, कबीरदास जी की, लेकिन इनका संपादन किसने किया है, जयदेव सिंह और वासुदेव ने, ठीक है ना, इनको संपादित करके इन्होंने ये पद लिखे, लेकिन पद किसके वैसे अपन कबीरदास जी के ही लिखेंगे। ठीक है, फिर जैसे मान लो अपने को व्याख्या लिखनी है, तो व्याख्या में क्या लिखेंगे, अपने को संपूर्ण पद का हिंदी अर्थ लिखना है। ठीक है, फिर जैसे अपन लिखेंगे विशेष, अब जैसे मान लो इतना सा लिख दिए, क्योंकि इतने से काम नहीं चलने वाला, कि प्रस्तुत पर कबीरदास द्वारा रचित, कबीरदास द्वारा रचित शब्द से लिया गया है या पदों से लिया गया, इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें क्या बताया गया है कि ईश्वर के एक रूप के बारे में बताया गया है, एक रूप के बारे में बताया गया है,
क्योंकि ईश्वर क्या है, एक है, ईश्वर क्या है, एक है। ठीक है, फिर देखिए विशेष, सबसे पहले भाषा इधर लिख देता हूँ, भाषा कौन सी है, देखो आपको ऐसे नहीं लिखना है डायरेक्ट, आपको लिखना है डायरेक्ट सद्दू कड़ी, कौन सी है सद्दू कड़ी भाषा। ठीक है, फिर देखिए अलंकार, ये चीज़ें आपको नहीं लिखनी, तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अलंकार देखिए एक एक, तो एक एक में कौन सा हो गया, यमक अलंकार हो गया, यमक अलंकार। फिर रस लिख देंगे अपन, शांत रस, शांत रस। और गुण लिखेंगे तो प्रसाद गुण। ठीक है, ये चार चीजें लिखने के बावजूद आप लिख सकते हो कि जो हमारा शरीर है वो इसी मिट्टी से बना हुआ है, हमारा शरीर, हमारे शरीर की रचना किससे की गई है। एक पॉइंट वो लिख देंगे, एक हो गया, दो, तीन और चार, कि जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर की रचना किससे की गई है, पांच तत्वों से, मनुष्य के शरीर की रचना पांच तत्वों से की गई है। पांच तत्व कौन कौन से हैं, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल। इन पांच तत्वों से मिलकर प्रत्येक मनुष्य के शरीर की रचना की गई है। क्या की गई है, कि प्रत्येक मनुष्य की रचना किससे की गई है, इन पांच तत्वों से की गई है। ठीक है, ठीक है, तो समझ में आ गया, अब तो आप आराम से इसको कर सकते हो। देखिए कबीरदास जी ने किसके बारे में बताया गया है, कबीरदास जी ने बताया है कि ईश्वर क्या है, ईश्वर एक है, ईश्वर क्या है, एक है। जो इस संसार में ईश्वर के दो रूप बताता है वो किसके भागीदार है, नरक के भागीदार होते हैं। किसके भागीदार होते हैं, नरक के भागीदार होते हैं। इस संसार में एक ही पवन है, एक ही पानी, और प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक ही परमात्मा निवास करते हैं, और सभी मनुष्य इस एक ही मिट्टी से बने हुए हैं, क्योंकि हमारा शरीर इसी मिट्टी से मिलकर बना हुआ है। और हमारे शरीर की रचना किन से हुई है, पांच तत्वों से हुई है, जो पांचों तत्व मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। जिस प्रकार कुम्हार क्या करता है, कुम्हार मिट्टी से अलग अलग बर्तन बनाता है, लेकिन जो वो बर्तन बनाता है क्या है, कि जो कुम्हार बर्तन बनाता है वो एक ही मिट्टी के, लिए उनका रूप अलग अलग हो सकता है। उसी प्रकार परमात्मा एक है, लेकिन परमात्मा के रूप अलग अलग हो सकते हैं। फिर बताया गया है कि जिस प्रकार बढ़ई होता है, लकड़ी को काटने वाला होता है, वो क्या करता है, लकड़ी को काट सकता है, लेकिन जो लकड़ी में जो आग लग रही है उस आग को वो नहीं काट सकता है। ठीक है, फिर आगे बताया गया है कि संसार में जो ईश्वर है, प्रत्येक ईश्वर के मनुष्य, प्रत्येक ईश्वर के हृदय में निवास करते हैं, उसका जो स्वरूप है वो व्यापक है और इसे प्रत्येक मनुष्य के हृदय में समाया हुआ है। फिर आगे कहा है कबीर जी ने कि ये जो संसार है, संसार के लोग हैं माया को देखकर, धन दौलत को देखकर उस पर आकर्षित हो जाते हैं और जानबूझकर सांसारिक मोह माया में फंस जाते हैं। फिर आगे कहते हैं कि हे मनुष्य, तू व्यर्थ में गर्व कर रहा है। ठीक है, निर्भय भया कछु नहीं वापी, कि जो व्यक्ति निर्भय होते हैं, निडर होते हैं, उनको कुछ प्राप्त, कुछ नहीं प्राप्त चाहिए या कुछ नहीं चाहते, वो श्री ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं, और इसलिए कबीरदास जी ने स्वयं को क्या बताया, दीवाना बताया है।
तो देखिए इस पद को लगभग 3-4 बार बता दिया गया है, कितने बार, 3-4 बार बता दिया गया है, तो एक एक लाइन को अच्छी तरीके से समझा दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि जो ये पद और कवि परिचय जो आपको बताया है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इम्पोर्टेंट बात क्या है, आप सभी को, क्योंकि आपके लिए सिलेबस नया है, ठीक है, आप ये मत समझिए कि हम 11th क्लास में हैं तो हमारे लिए कुछ मायने रखता है, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसी से जुड़ी हुई चीज़ें आपके 12th क्लास में आएगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, इनको सीरियस होके अच्छी तरीके से एक एक लाइन को लाइन टू लाइन आपको पढ़ना है। क्या करना है, लाइन टू लाइन इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है, और कॉपी आपको बना लेनी है। क्या करनी है, कॉपी भी आपको बनानी है, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से काम करना है, साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में कॉपी बनाकर उस पर कवर लगाकर अच्छे तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। और मैंने आपको काम दे ही दिया था कि पहले पद का क्या करना है, सप्रसंग व्याख्या करनी है और कबीरदास जी का जीवन परिचय आपको करना है, भक्ति काल के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। आशा करता हूँ कि जो ये चीज़ पढ़ाई गई है वो आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है, धन्यवाद।